गुड इवनिंग स्टूडेंट, अभी हम लोग शिफ्ट टू में जो क्वेश्चंस पेपर आया है आज यानी कि 12 फरवरी को सेमेस्टर थ्री में बीबीएमक्यू के सेमेस्टर थ्री में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का जो पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर था उसका आंसर की हम लोग अपलोड कर चुके हैं और एक परफेक्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का आज फर्स्ट शिफ्ट वन का अपलोड कर चुके हैं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। अभी हम शिफ्ट टू के आंसर्स की इसके बारे में बात करें, मतलब हर एक क्वेश्चन आपने क्या क्या सॉल्व करा है, क्या क्या करेक्ट था, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि एक्सप्लेन तो किया जा चुका है, सारा चीज क्लास में बताया जा चुका है, इसलिए स्टूडेंट हम क्या करने वाले, जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन के वीडियो के बारे में बात, मतलब सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इसका कौन सा सोल्यूशन है, इसका क्या है। आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे शायद आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था भाई कि 22-26 सेशन, यहाँ पे देखिए सेशन डी सेकंड शिफ्ट वाला बात हो रहा है ये। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बात करेंगे, द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट पी इंप्लाई क्यू इज, अपोजिट का बात हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट मतलब यहाँ पे बोला गया है कि पहला क्वेश्चन अगर पी इंप्लाई क्यू है तो इसका अपोजिट क्या होगा। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, इस स्टेटमेंट का अपोजिट बोला गया है, इनवर्स नहीं, इनवर्स अलग चीज होता है। अगर पी इंप्लाई क्यू है तो इसका इनवर्स क्या होगा और अपोजिट क्या होगा, अलग अलग चीज है। पी इंप्लाई क्यू मतलब इसके होने से ये हो रहा है, इसका अपोजिट मतलब उल्टा क्या होगा, पी इंप्लाई क्यू का अपोजिट होगा क्यू इंप्लाई पी, एकदम सीधा सीधा बात, पी इंप्लाई क्यू का अपोजिट क्यू इंप्लाई पी। लेकिन इसका इनवर्स की बात करेंगे तो इसका इनवर्स जो होता है नॉट पी इंप्लाई नॉट क्यू, नॉट इंप्लाई नॉट क्यू, सॉरी नॉट पी इंप्लाई नॉट क्यू। देखिए अपोजिट इसको बोलेंगे, अपोजिट का मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं कि हम बहुत ऐसा कह सकते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे कि हम जा रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हम आ रहे हैं, एकदम जस्ट उल्टा। तो पी इंप्लाई क्यू का अपोजिट होता है क्यू इंप्लाई पी, और इनवर्स होगा, इनवर्स का मतलब होता है कि इसी चीज को बस दूसरे शब्द में लिखा जाता है कि पी इंप्लाई क्यू का मतलब है कि नॉट पी इंप्लाई नॉट क्यू। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे, द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट पी इंप्लाई क्यू इज नन होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इसका कैसा आंसर दिखे बोर्ड पर देख लीजिए एक बार, पी इंप्लाई क्यू का होगा क्यू इंप्लाई पी, पर यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा है, देखिए क्यू इंप्लाई पी कहीं है पे, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन बी पे देखिए, ऑप्शन सी पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसका नन हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिया जाए, इफ पी इंप्लाई क्यू बी कंडीशनल स्टेटमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट, तो पी इंप्लाई क्यू का इनवर्स क्या होगा, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा था कि इसी स्टेटमेंट का इनवर्स क्या होगा, ये इनवर्स होता है। अब बाकी जो अगले सेशन वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए भी ये काम का चीज है, इसका इनवर्स ये होता है। क्या स्क्रीन पे आपको दिख रहा है किसी में, और जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है वो देखिए ना क्या किए हैं, क्यू इंप्लाई पी को मार दिया, बट जो कि गलत है, इसका भी नन होगा आंसर। तो पी इंप्लाई क्यू का जो इनवर्स होगा स्टूडेंट वो होगा यहाँ पे जो कि नहीं है, तो इसका आंसर नन होगा। अब देखिए थर्ड में, विच कनेक्टिव इज यूज इन लॉजिक टू डिनोट इफ एंड ऑनली इफ, क्लास में भी खूब अच्छे से बताया गया इफ एंड ऑनली इफ के लिए क्या होता है, यहाँ पे थर्ड नंबर सॉरी सेकंड नंबर बाय कंडीशनल जिसको बोलते हैं क्या होता है, इंप्लाई एंड बाय इंप्लाई दोनों तरफ एरो का सिंबल, तो ये हो गया थर्ड। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पी पी और नेगेशन पी फॉर एनी प्रोपोजिशन पी, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, जरा देखिएगा। अब ये फोर्थ में ट्रूथ वैल्यू किसका देखना है हम लोग को, जरा देखिए, जैसे कि P का पता है और नेगेशन P का पता है क्या होता है, नेगेशन P, तो P का भाई क्या क्या होता है, ट्रू फॉल्स, तो इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स और ट्रू, यही ना होगा जी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है P और ये नेगेशन P, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि और मतलब क्या होता है, और मतलब कि जब ये और वाला बात हो रहा होता है तो और में अगर एक भी ट्रू होता है तो ये ट्रू हो जाता है। तो देखिए पी यहाँ पे ट्रू फॉल्स और यहाँ पे नेगेशन पी फॉल्स ट्रू, इसका जस्ट उल्टा उल्टा, तो इस दोनों से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू, ये भी ट्रू है तो ये ट्रू, तो ये हमेशा क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है। ये यही चीज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए कि व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पी ज्वाइन, उसको पढ़ सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं पी और नेगेशन पी, नेगेशन पी का सिंबल वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया गया है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फोर का आपका यहाँ पे आंसर होगा, फोर का थर्ड नंबर थ्री, ऑलवेज ट्रू। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टोटोलॉजी, तो इसमें टोटोलॉजी कौन रिप्रेजेंट करता है, तो अभी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा था कि देखिए पी नेगेशन पी, तो ये जो पी
और नेगेशन पी जो है ये क्या टोटोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटोलॉजी का मतलब वैसा कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो, जैसे क्या होगा ट्रू ट्रू दोनों में ट्रू है तो इसका क्या हो जाएगा ट्रू दोनों हो जाएगा। तो फाइव नंबर क्वेश्चन सब देखिएगा, तो फाइव का क्या होगा पी और नेगेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्योंकि देखिए पी और नेगेशन पी फाइव का सेकंड नंबर। सिक्स का विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, इसमें टोटोलॉजी कौन है ना, तो इसमें टोटोलॉजी कौन है इसमें हम लोग चेक कर सकते थे कि पी और क्यू इम्प्लाई पी एंड नेगेशन क्यू ये है कि ये है कि ये है। तो ये जो चीजें हैं स्टूडेंट क्लास में खूब प्रेम से बताया गया है तो हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं ठीक है पी और क्यू के बारे में। तो इसका आंसर देखिए फर्स्ट वाले का इस अब जो यहाँ पे आपको सिक्स नंबर दिख रहा है तो इसका फर्स्ट और थर्ड तो होगा नहीं ठीक है, तो ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ होने का ज्यादा चांसेस है। तो आइए सेकंड को चेक कर लेते हैं हम लोग ठीक है ना, सेकंड को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए बना दे। देखिए क्लास में खूब अच्छे से बताया गया था क्योंकि हम इसको पहले से सॉल्व किए नहीं है तो आपके सामने ही सॉल्व कर देते हैं ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई हाँ सर इसका जरूरत है क्योंकि बहुत से बच्चों का ये था देखिए पी एक स्टेटमेंट है एक क्यू स्टेटमेंट है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इसको लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हो गया पी क्यू के लिए पॉसिबिलिटीज यही होता था। अगर हम बात कर ले पी एंड क्यू का, पी और क्यू का बात कर ले, फिर पी एंड क्यू का बात कर ले, इसको भी जरा देख लीजिएगा आगे बढ़ेंगे। तो और में क्या होता है एक भी ट्रू तो ट्रू, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू तो एक भी फॉल्स दोनों फॉल्स तो फॉल्स। एंड में क्या होता है एंड के लिए दोनों सही होना चाहिए तो दोनों में ट्रू में तो ट्रू हो जाएगा, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स। अब अंतिम आपसे यहाँ पे क्या बोला है, अब आपसे क्या बोला है थर्ड नंबर जरा देख लीजिएगा। थर्ड आपसे बोला है सेकंड नंबर बोल रहा है आपसे स्क्रीन पे देखिए, सेकंड आपसे बोल रहा ऑप्शन कि पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का पी एंड क्यू के साथ एंड लगाइए ठीक है, पी एंड क्यू एंड पी एंड क्यू देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पी एंड क्यू एंड पी एंड क्यू आइए पी एंड क्यू एंड देखिए। तो यहां पे पी पी एंड क्यू का एंड लगाना है किसके साथ पी एंड क्यू के साथ, तो इस तरीके से चेक किया जाता है। तो यही है पी एंड क्यू, फिर इसी का इसी के साथ, तो आप खुद भी सोच के देखिए पी एंड क्यू यहीं पे है और फिर पी एंड क्यू आप यहीं पे मान लीजिए कि पी एंड क्यू आप यहीं पे मान लीजिए, तो फिर से ट्रू फिर से फॉल्स फिर से फॉल्स फिर से फॉल्स। आप इसको जब चेक करिएगा तो क्या होगा भाई, ये ट्रू ट्रू तो दोनों का ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स फॉल्स है फॉल्स होगा, फॉल्स 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 होगा, फॉल्स 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 होगा, तो यही आएगा। तो क्या सारा ट्रू है तो टोटोलॉजी तो नहीं है, तो ये वाला जो है ऑप्शन था ये भी टोटोलॉजी नहीं है, तो इसका सिक्स का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सिक्स का जो ऑप्शन नंबर होगा स्टूडेंट वो फोर नंबर हो जाएगा। सेवन का क्या कह रहा है, एन का पावर टू इज लेस देन टू का पावर एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन एन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एन लेस देन फाइव, फिर और ऑप्शन में है एन ग्रेटर देन वन और नन। तो यहाँ पे एन का पावर टू इज लेस देन टू टू द पावर एन, देखिए क्या बोल रहा है कि एन का पावर टू इज लेस देन टू का पावर एन, क्वेश्चन नंबर सातवा बात कर रहा है। ये किसके लिए ट्रू है, ये क्वेश्चन बोल रहा है किसके लिए ट्रू है, ऑप्शन नंबर वन है आपका एन ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है, नंबर टू एन लेस देन फाइव है, नंबर थ्री क्या है भाई, नंबर थ्री जरा देख लिया जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है, एन ग्रेटर देन वन और नन, किसके लिए सही है ये। तो इसको कैसे चेक करेंगे जी, इसको चेक करने के लिए देखिए हम पुट करके देख लेते हैं, क्या हम वन पुट करेंगे तो ये काम करेगा, चेक करें तो वन जब पुट कर दियो यहाँ पे टू का पावर वन यहाँ पे वन का स्क्वायर, जब आप टू का पावर यहाँ पे एन के जगह पर, यहाँ पे एन क्या बोला गया वन से बड़ा, एन के जगह पर वन से बड़ा रखिए, मान लीजिए वन ही रखते या टू रखिए यहाँ पे, तो एन यहाँ पे टू का पावर टू और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी टू टू का पावर टू, क्या ये सही है, नहीं काम नहीं कर रहा, टू का पावर टू फोर हो रहा है यहाँ पे टू का पावर टू फोर हो रहा है, गड़बड़ बात है। देखिए एन के जगह पर हम वन से बड़ा रखे टू रखे काम नहीं कर रहा है, टू का पावर टू हो गया फोर, यहाँ पे टू का पावर टू फोर बराबर हो रहा है बट साइन तो ग्रेटर का था तो काम नहीं किया। फिर एन पांच से छोटा रखेंगे काम तो नहीं करेगा क्योंकि पांच से छोटा में टू भी आता है, टू पे काम नहीं कर रहा है, एन वन से बड़ा पे काम नहीं कर रहा है, इस पे भी काम नहीं कर रहा है। अब पांच या पांच से बड़े पे रख के देखते हैं, यहाँ पे पांच रख के देखते हैं, पांच का पावर टू रखते हैं फिर टू का पावर पांच, देखिए पांच का पावर टू कितना पच्चीस होता है और फिर इसका क्या होता है बत्तीस होता है, काम तो कर रहा है जी। फिर पांच रखे पांच से बड़ा रखे छह रखे तो भी काम करेगा,
तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, तो सात का ए नंबर हो जाएगा आंसर। फिर इस तरीके से द सम ऑफ द सीरीज फाइव, ये इसका सीरीज का सम क्या होगा, पांच नौ ऐसे करके एक सीरीज है, देखिए आप दिख रहा होगा फाइव नाइन थर्टीन और फोर्टी नाइन, इसका सीरीज का इस सम क्या होगा, तो जरा देखिएगा इसको हम लोग बताते हैं क्या सीरीज का सम है जी, पांच नौ तेरह और 49, इसका सम करना है हमको, तो क्या भाई ये हमारा ए हो गया और चार चार बढ़ रहा है, तो ए एपी हो गया, ये ए हमारा पांच हो गया और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, चार हो गया, तो हमको जब निकालना है भाई, हमको यहाँ से यहाँ टोटल निकालना है कि सम कितना होगा, तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि कितना टर्म्स है टोटल, तो आप पता कर लीजिए, मान लीजिए ए एन बराबर कितना है, उनचास, मान लीजिए ए एन बराबर उनचास है, तो ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी मतलब यहाँ पर उनचास है, तो डी जरा सब ए की जगह पे पाँच है प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे चार है बराबर उनचास, ये पाँच उधर घट जाएगा, तो एन माइनस वन और बराबर पाँच घटेगा तो कितना होगा, चौवालीस होगा, फिर ये माइनस वन हो जाएगा क्या होगा, सर यहाँ पे चार भी है, समझे कैसे है यहाँ वाला, तो ये पाँच उधर घटा, उनचास में से पाँच घटेगा तो चौवालीस बचेगा, ठीक है। अच्छा अब फिर ये चार ग्यारह चौक चौवालीस, ये ग्यारह बार में कट गया, यहाँ ग्यारह बार में, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, पैड प्लस हो तो एन इक्वल टू बारह, मतलब टोटल बारह टर्म्स है, मतलब इसमें टोटल बारह टर्म्स है कि पाँच से लेकर के यहाँ तक जाइएगा तो टोटल बारह टर्म्स है, तो मतलब आप जोड़ दीजिए एस ट्वेल्व बराबर क्या होता है एन बाई टू, एन बाई टू, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका ए प्लस एल, एन मतलब कितने टोटल टर्म्स है, बारह बटा दो, यही इसीलिए हम निकाले कि टोटल क्या टर्म्स है, इसीलिए निकाले एन, ए कितना है पाँच और अंतिम टर्म कितना है उनचास, फॉर्मूला ये था ना यू जी, जब लास्ट टर्म दिया रहेगा तो निकाल लीजिए कितना हो गया जी, एक दो पचास चार चौवन, यहाँ पे हो गया छः, काट के छः और गुना में चौवन, और फिर पाँच को छः तो तीन सौ और फिर छः चौक अट्ठाईस, तो तीन सौ अट्ठाईस आएगा क्या, नहीं तीन सौ चौबीस होगा, तीन छिया छः चौक चौबीस के चार हाथ में दो, छः पच्चीस तीस दो बत्तीस, तीन सौ चौबीस होगा आंसर, तो तीन सौ चौबीस स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, तो कौन होगा इसका, तो आठ का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा डी थर्ड नंबर। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखिए पी, यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पे क्या बोला गया है कि पी ग्रेटर देन क्यू या P imply Q, यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, अगर मान लीजिए P imply Q is true and Q is false, what you conclude about P? तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ना ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे शायद आपको कर्सर दिख रहा होगा, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि ये imply का साइन है क्या, थोड़ा सा इसको आप लोग को देखना होगा, तो ये शायद पता नहीं क्वेश्चन कैसा दिया गया, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन पे यहाँ पे सिंबॉलिक शायद सिंबल क्लियर नहीं है, ठीक है ना, एक बार हम देख लेंगे क्वेश्चन पेपर में क्या था, पता नहीं यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी विल बी, इसका पांचवा टर्म्स क्या होगा, इस जीपी का पांचवा टर्म्स क्या होगा, जरा देखिए तो तीन है प्लस छ है प्लस बारह है प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको पता है यहाँ ए कितना हो गया तीन हो गया, कॉमन रेशियो कैसे आएगा ये बताइए, तो छः को तीन से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू आर, आर बराबर छः बटा तीन, मतलब ये काट दीजिए कितना आएगा दो, कॉमन रेशियो दो, आपसे क्या बोलोगे पांचवा टर्म्स पूछा गया है, मतलब ए फाइव बराबर कितना होता है कि ए इंटू आर का पावर फोर, ए का मतलब तीन है, आर मतलब यहाँ पे दो है, दो का पावर चार, तो तीन गुना दो का दो दून चार, दोनों आठ दोनों सोलह, सोलह ती अड़तालीस, यहाँ पे पाँच टर्म्स को जोड़िएगा कितना आएगा, पाँच टर्म्स को जोड़ने से अड़तालीस आएगा, तो दस का जो है आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए, इफ प्रोपोजिशन पी इज ट्रू अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस तो इट इज अ टोटोलॉजी, क्लास में बताया गया था कोई स्टेटमेंट हर एक सिचुएशन में ट्रू हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, टोटोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का देख लीजिए, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू टू द पावर फोर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्लास में भी ये पता है आपको बहुत सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन शिफ्ट वन वाला रिपीट कर रहा है इसमें, इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे आपको ना, क्वेश्चन नंबर 11 शिफ्ट वन में आया था, उससे पहले भी क्वेश्चन शिफ्ट वन का था, अभी जो क्वेश्चन 12 देख रहे हैं अभी शिफ्ट वन में पूछा गया था, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, पेपर जरूर एनालिसिस जरूर देख लेना है। तो ये जो है इसका जो आंसर है एट होगा इसका,
ठीक है ना, यहाँ पे क्या था देख लीजिए, 2 का पावर 4 n माइनस 1 है ना, किससे डिविजिबल है जी, तो n के जगह पे पहले 1 पुट कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन में, n इक्वल टू 1 पुट कर लीजिएगा, कितना आएगा 2 का पावर 4 इंटू 1, 4 माइनस 1 तो कितना 2 का पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, और 8 किससे डिविजिबल है 3 8 3 5, ऑब्वियस 8 से डिविजिबल 8, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा 8 होगा, तो 13 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द बेस केस एन इक्वल टू 1 इज अज्यूम फॉर ट्रू फॉर के इक्वल टू एम वेयर एम इज सम पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट स्टेप ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज मिसिंग, तो k इक्वल टू m प्लस 1 वाला मिसिंग है, m प्लस 1 वाला मिसिंग है मतलब इंडक्शन हाइपोथेसिस मिसिंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जो है 14 भी रिपीट क्वेश्चन है भाई, 14 भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, कितना मजेदार है देखिए, रिपीट किया इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, वेरी गुड। इसमें भी n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 दो बार पुट करके चेक करना पड़ता है आपको, एक बार 1 पुट करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगा वो 2 से और 4 से दोनों से डिविजिबल होगा, 2 पुट करेंगे सिर्फ 2 से, मींस 14 का ए नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद जरा सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी अप्लाई टू मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी, कि जरूरी नहीं है मैथमेटिकल इंडक्शन में, क्या वेल डिफाइंड बेस केस ये तो जरूरी है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस ये भी जरूरत है, प्रूफ ऑफ द इंडक्टिव केस ये भी जरूरत है, जनरल फॉर्मूला फॉर द स्टेटमेंट ये इसका जरूरत नहीं, गड़बड़ बात है, तो 15 का बी हो जाएगा। अब देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, एन इंटू एन प्लस वन इज इवन, 16 का ए होगा, द रिमाइंडर 5 का पावर 99 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो रिमाइंडर इसका आएगा 6 आएगा, रिमाइंडर सॉरी 8 आएगा, 8 सॉरी 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 8 आएगा रिमाइंडर इसका। क्लास में भी हम शिफ्ट 1 में भी ये भी क्वेश्चन रिपीटिंग है यार, ये भी क्वेश्चन रिपीटिंग है, इसके बाद 16 वाला भी रिपीटिंग है। व्हाट डज द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, ऑल कास्ट हैव टेल्स है ना, ऑल कैट्स हैव टेल है ना, इसका कन्वर्स पूछा गया है, ठीक है, तो इसका क्या है कन्वर्स, जरा देखिए क्या क्या ऑप्शन है। If an animal has tail, it is a cat. All cats have tails. If an animal is not a cat, then it doesn't have a tail. ठीक है? कन्वर्स में क्या होता है कि जस्ट इसके लिए रिवर्स बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो नॉट अ कैट देन इट डजेंट हैव अ टेल, इसका हम लोग बी नंबर आंसर कर लेते हैं कि 18 का बी नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन ना क्लास में करवाया गया यार, ये भी क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है, सॉरी क्लास में इसलिए मतलब ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में जरूर देख लीजिएगा। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, क्या होता है n इज लेस देन 2 to the power n, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या यार ये कौन थर्ड नंबर मार दिए है, गलती बात है ये। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फास्ट फिर 20 का देख लीजिए, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट व्हेन एवर द टेम्परेचर राइज आइस मेल्ट्स, इसका इनवर्स पूछा गया है, तो इन्वर्स में क्या होता है P इम्प्लाई Q, तो इसका इन्वर्स कैसे निकलता है, नॉट P इम्प्लाई नॉट Q, मतलब टेम्परेचर नहीं होगा तो आइस मेल्ट नहीं होगा, तो दोनों में डजेंट कहाँ है, देखिए इफ द टेम्परेचर डजेंट राइज देन द आइस डजेंट वांट मिल्क, तो थर्ड नंबर आंसर इसका होगा 20 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अ टोटोलॉजी, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या ये टोटोलॉजी है, मतलब क्या हमेशा सही है, ऑल इंडियंस एंड ब्रदर्स आर सिस्टर्स, आइदर यू विल रेन टूडे और नॉट, ये सही है। सम डॉग्स आर फ्रेंडली नो, रिपीटर्स आर मैमल्स, हाँ तो ऐसा स्टूडेंट कि आइदर इट विल रेन टूडे और इट नॉट वॉन्ट, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, 21 का बी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या सारे इंडियन ब्रदर सिस्टर हैं, क्या ये स्टेटमेंट हर एक जगह ट्रू है, नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट ठीक है बोलने के लिए कि ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बट हर एक सिचुएशन में ट्रू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका क्या होगा कि आइदर इट विल रेन टूडे और इट नॉट और इट वॉन्ट, मतलब कि या तो होगा या तो नहीं होगा, इसको अब इस स्टेटमेंट को हर एक सिचुएशन में ये ट्रू है, या तो होगा या तो नहीं होगा, ऑब्वियस है कि ट्रू ही है, इसका वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा कि होगा या तो नहीं होगा, तो बात तो हमारा सही है, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो ट्रू है ये। 21 का बी नंबर। विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टन, क्या होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कैन नॉट, देखिए ना कैन नॉट आ गया, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, नो बडी शुड इग्नोर सेफ्टी मेजर्स, तो विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव असर्टन, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, तो ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऑल व्हीकल्स आर, नो बडी शुड इग्नोर और नथिंग, तो ऑल कार्स आर व्हीकल, ये वाला इसमें हम थर्ड कर सकते हैं,
क्योंकि नथिंग यहाँ पे बात होने कुछ ऐसा कुछ बात होने लग रहा है। यहाँ पे बोला गया रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव असर्टन, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि पॉजिटिव जिसका वो ट्रू हो, है ना। ऑल कार्स आर व्हीकल, पॉजिटिव असर्टन का मतलब उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो, तो ऑल कार्स आर व्हीकल, सारे जो कार्स होते हैं वो तो गाड़ी होते हैं, व्हीकल्स होते ही है। ये इसका 22.3.2 का थर्ड नंबर। आइडेंटिफाई द टोटोलॉजी अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें टोटोलॉजी आइडेंटिफाई करना था, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, टोटोलॉजी है ये कि भाई जितने स्क्वायर्स होते हैं ऑब्वियस है वो रेक्टेंगल होते हैं। बी नंबर इसका सही है, 23 का बी नंबर। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव असर्टन, किसमें पॉजिटिव कौन कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, फ्यू पीपल लाइक चॉकलेट्स, नॉट ऑल, तो 20 को मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, विच स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर दें, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव असर्टन, नन ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड टेस्ट, नॉट ऑल इंसेक्ट स्टिंग, फ्यू पीपल लाइक चॉकलेट, नो बर्ड कैन स्विम, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर हट गया, यहाँ पे सेकंड नंबर हट गया, तो यहाँ पे आंसर 24 का थ्री नंबर हो जाएगा। फिर आइडेंटिफाई टोटोलॉजी इन द अपोजिट इन ऑप्शन बिलो, इसमें टोटोलॉजी कौन है, आइडेंटिफाई द टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब जो हमेशा ट्रू हो, तो एवरी ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, एवरी ट्रायंगल हैज थ्री साइड, तो हमेशा ये इसका टोटोलॉजी हमेशा ट्रू होता है, एवरी ट्रायंगल हैज थ्री साइड, तो ये क्या क्या कौन ऑप्शन डाल दिया भाई, तो 25 का थर्ड सेकंड नंबर होगा। चलिए इसके बाद 26 यहाँ पर देख लिया जाए, वट इज द कॉमन डिफरेंस इन द फॉलोइंग, 7 से 11, 11 से 15, 4 को कॉमन डिफरेंस, 26 का डी नंबर सी नंबर सॉरी 4 डिफरेंस होगा यहाँ पे। देखिए इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन द फर्स्ट टर्म ए इज 3, कॉमन रेशियो हो गया 2, वट इज द फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ में क्या होगा जी, यहाँ पे देख लीजिए कॉमन सारा चीज तो दे ही दिया है आपसे, क्या बोल दिया, क्या क्या बोल दिया, देखिए ए बराबर कितना दे दिया गया 3, कॉमन रेशियो कितना दे दिया गया 2, आपसे बोला है फिफ्थ टर्म पूछा है ना, वट इज द फिफ्थ टर्म, तो A5 आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ दिया है, तो आप A5 का वैल्यू कितना होगा, A इंटू R का पावर 4 होता है, तो A मतलब 3 और 2 का पावर 4, तो कितना होता है जी 3 गुना 2 का पावर 4 मतलब 16 48, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 27 का सेकंड नंबर। फिर इसी तरीके से क्या बोला गया है, इफ़ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन लॉग एक्स, ये एक ए बी सी ए है तो क्या होगा, ए पी में होगा, ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन लॉग एक्स बेस ए के साथ है, लॉग एक्स लॉग बेस बी के साथ है, लॉग एक्स लॉग सी के साथ है, तो ये ए पी में आता है ये वैल्यू, ठीक है, तो 21 का ए हो जाएगा, एक बार इसको हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भाई 16 टर्म 50 है और 6 टर्म 20 है, तो भाई क्या ही है, आसान क्वेश्चन, देखिए कितना भेदभाव हुआ है बच्चों के साथ, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था इसके मुकाबले में अगर हम ये तुलना करें ना, अगर हम एक पैरामीटर बैठाएं कि अगर फर्स्ट शिफ्ट का मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट इतना इतना बड़ा इतना टिपिकल था, फर्स्ट शिफ्ट इतना टिपिकल था, तो जो सेकेंड शिफ्ट का लेवल था वो इतना था, इस लेवल पे क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट का, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा है कि आप साइंस वाले बच्चों से पूछ रहे हैं जो खूब अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, मेजर पेपर टाइप पूछ रहे हैं, और ये वाला इस तरीके के क्वेश्चन जो थे आर्ट्स वाले बच्चों के साथ पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, जो कि बहुत आसान था। आते हैं तो इसका आप देखिए ना क्या बोल रहा है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 16वां टर्म 50 है, मतलब ए 16 जो है वो 50 है, और क्या बोल रहा है 6 टर्म जो है ए 6 जो है वो कितना है 20 है, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ जाए, ए 16 का मतलब समझते हैं ए प्लस 15D बराबर 50 है, ए मतलब ए प्लस 5D बराबर कितना है 20 है, घटा दिए ये कट गया, यहाँ पर क्या गया माइनस का 10D, यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 30D, यहाँ से माइनस माइनस गया, D बराबर कितना हो जाएगा 10 नीचे गया, तो यहाँ पे D नहीं है 10, D बराबर 3 आ जाएगा, D बराबर 3 हो जाएगा, तो 29 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक में भी क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए एंड कॉमन रेशियो इज 2, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी का फर्स्ट 3 टर्म्स का सम ये है, कॉमन रेशियो 2 है, देखिए क्या बोल रहा है,
थर्टी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक जीपी, तो जीपी का फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम कैसे बना सकते हैं हम लोग? हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि ए ए आर और ए आर स्क्वायर, इस तीनों का सम कितना दिया हुआ है, तीनों का सम दिया हुआ है 28। आपसे बोल दिया कि आर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो कॉमन से दो दिया हुआ है, तो चलिए कर लेते हैं ए, इसमें तीनों से कॉमन कर लीजिएगा तो कितना आएगा, ए कॉमन कर लिया तो यहाँ पे आएगा वन प्लस यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, यही ना जी, तीनों से कॉमन किया तो 28। अब आर का वैल्यू टू पुट कर दीजिए, ए यहाँ पे वन प्लस आर का वैल्यू टू है, फिर यहाँ पे टू का स्क्वायर करिएगा फोर होगा, फिर इक्वल टू 28 जोड़ दीजिए, तीन और चार सात, तो सेवन ए बराबर 28। यहाँ से इतने इधर गया तो 28 के नीचे गया तो सात, तो कितना होगा कट के आ जाएगा चार, तो ए का वैल्यू चार। तो 30 का थर्ड नंबर, अब क्या बोला गया है, इन अ डेक ऑफ कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट और अ डायमंड, हार्ट निकले या डायमंड निकले, ठीक है, हार्ट का क्या गो पत्ता होता है 13 गो और उसका भी 13 गो, तो देखिए 31 जरा देख ही लीजिए, 31 क्या कह रहा है जी, हार्ट क्या होता है टोटल, बोल रहा है कि हार्ट निकले या डायमंड निकले, हार्ट और डायमंड निकले, तो हार्ट निकल, हार्ट टोटल क्या होता है 13 गो हार्ट होता है, 13 गो डायमंड होता है, तो 13/26 13/52 प्लस फिर 13/52 फाइनली 26/52 हो जाएगा, 26/52 कट करके 1/2 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। क्लास में स्टूडेंट सब बताया गया है, उम्मीद है कि सारे बच्चे खूब अच्छा किए होंगे, तो इसका होगा 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट एकदम सेम एक क्वेश्चन है जो क्लास में करवाया गया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ग्रीन, इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल अनदर वे विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है, चलिए भाई इसमें क्या ही बताएंगे, फिर 32 देख लीजिएगा, 33 भी यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग खुद से, सब क्लास में करवा देंगे। यहाँ पे 34 क्वेश्चन रिपीटिंग है, इसका आंसर नंबर 4 होगा, फिर इसके बाद ये सब भी क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, शिफ्ट वन वाला भी देख सकते हैं, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, 1/2 होगा आंसर, 36 का 3 नंबर होगा, 34 का 3/10 देख लीजिए, फिर इसके बाद स्पाइनल डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स कलर, ये सब प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार, बताइए है ना, 1/8 है, सही है, यहाँ पे देखिए ये भी सही है, यहाँ पे 40 का ए नंबर होगा, फिर 41 का आपका 41 का 3/10 होगा, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, 42 भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, 8 होगा सही आंसर, 43 भी रिपीटिंग है, यहाँ 43 का 3 नंबर होगा, 7 होगा इसका आंसर, फिर 44 भी रिपीटिंग है, इसका 6th आंसर 6 है, देखिए थर्ड सेकंड नंबर, फिर ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसका 45 का सेकंड नंबर होगा, फिर ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसका ए नंबर होगा, नंबर 46 का 1 नंबर होगा, फिर ये भी ये जो है ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ये भी सही है ये भी सही है, तो ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट पोस्ट, हाँ ये भी 3/4, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है यार, खाली रीअरेंजमेंट कर दिया है इस क्वेश्चन का, बच्चे लोग देख करके गए होंगे तो खूब मजा आएगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा, वेरी गुड, और ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो भाई बहुत सारा हमको लगता है 20 क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, 20 क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है, शिफ्ट वन से शिफ्ट टू में 20 क्वेश्चन रिपीटिंग है, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, खूब मजा आया होगा अभी, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।